ये भाई बाबा के नाम पे दे दिए बेटा तो रोटी। मम्मी ने कहा गेट नहीं खोलना। ये तो पता नहीं, ये तो दुकान उकान से लाए इन्हें। कुछ भी यार। हाँ यार, जो तो घोड़ा है यार हम आओ। बेटा हम बूढ़े हो गए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज है 15 तारीख और आज मैं जा रहा हूँ ललितपुर। ललितपुर मेरे नाना नानी का घर है, आपकी लैंग्वेज में बोले तो मामा मामी का घर है, लेकिन चूंकि मेरी मम्मी का कोई भाई नहीं है, मतलब मेरे कोई मामा नहीं है, इसलिए मैं नाना नानी का घर बोलता हूँ। मम्मी टोटल 4 बहनें हैं, मम्मी का कोई भाई नहीं है, पापा की बहनें नहीं है, और जितने भी मौसी हैं और जितने भी चाचा ताऊ हैं उनके यहाँ सबके यहाँ एक एक बेटा है। मतलब देख रहे हो कितना जटिल परिवार है। तो जटिल परिवार के बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे चलते हैं। चलो चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। यूपी में कम से कम वही 8 रुपया कम। ये रेलवे क्रॉसिंग 100 में से 90 बार बंद मिलती है। आज पहली बार हमें तो खुली मिल रही है यार। यहाँ और एमपी के पेट्रोल पंप पे 8 रुपया का अंतर है सीधा सीधा। मेरा जन्म इसी अस्पताल में हुआ था। ये है नानी का घर, लेकिन अपन इस तरफ से नहीं, अपन उस गेट से चलेंगे। यहाँ अपन ने बहुत पहिया चलाया है, वो साइकिल वाला। यहाँ पर सुपर मारियो, यहाँ से कूदो यहाँ जाओ। छोटे में हम कूद भी नहीं पाते। ले ये भाई बाबा के नाम पे दे दिए बेटा तो रोटी। बेटा ले ये भाई तो रोटी। हमारे यहाँ पे अभी कोई है नहीं है घर पे। ए बेटा तो रोटी दे, मैं कहाँ जा रहा हूँ बेटा। मम्मी ने कहा गेट नहीं खोलना। बेटा भगवान भला करे दे दिए दो रोटी यार। आप अभी 1 घंटे में आना, जब मम्मी आ जाएंगी तो दे देंगे। बेटा 1 घंटे तक भूखे रहे काम। आप और कोई के सामने कहीं और चले जाओ ना। बेटा और तुम्हारी घर दिखा रहा हूँ मैं, भले आन आदमियों को तुम्हें दे दो बेटा। ना
भले आदमी है। बेटा तुम कौन सी क्लास में पढ़ती? क्यों आपको क्या करना? कितनो मोह चला रही बेटा तुम? हम मम्मी ने बोला कि कोई गेट नहीं खोलेगा। बेटा दे दो, दो रोटी का जूनी जा रहा हो। अब हमसे जो मम्मी ने बोला वो करें या नहीं? अरे जो शिवम भैया की आवाज है। शिवम भैया इतनी देर में पहचानोगे तुम लोग? अरे तो हम समझ गए। ओ मम्मी तो घर पे है। तो फिर तुमने हमें रोटी क्यों नहीं दी? क्योंकि हमें पहले पता था आपको। क्योंकि अरे यार पुराना। और प्राची पिस्तौल अब बंद करो। हिट नहीं हिट, हमने हिट बोला। ये है डॉक्टर प्राची, हमारी सबसे छोटी, हमारे घर की सबसे छोटी बहन। और ये है डॉक्टर अंशु। सब डॉक्टर हैं हमारे घर में। तो देखो छोटे छोटे, ये बहुत छोटी है भैया, 11 साल की। तो देखने में शरीर बड़ा लग रहा है आपको। 12 साल के। लेकिन तुमने आज अपमान कर दिया मांगने वालों का। तो हमें घर से, अपने घर से निर्धन ब्राह्मण को बाहर भगा रही थी। एक बार बोला अगर मम्मी नहीं होती हम गेट खोल लेते, वो कोई चोर होता तो चोर होता तो सामान ले जाता और क्या होता? हमें ले जा सकता। तुम्हें ना ले जा, तुम्हारा क्या करेगा? कोई कुछ कर सकता तुम्हारा? तुम जैसे चाकू रख के घूम रही हो। चॉकलेट आप पहले ना। लाफंगर भैया एक पहला सदस्य है जो सही नाम ले रहा है। नहीं तो कोई कहता है लफंडर, कोई कहता है लफंगर। लेकिन इसका क्रेडिट जाता है किसको? अंशु को। तुमने बताया इनको सही? हाँ। तो पुरस्कार दिया जाएगा। नाम वैसे हो तो लाफंगर तो वो हो गया। लाफंगर कैसे हो गया? बैच बैच स्पेलिंग बताना लाफंगर। L A U G H U N G E R। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या बात है। तथा कितने क्लास में है तेरी? 8th में। 8th क्लास में? नहीं तुम 10th क्लास पास हो तो जाओ जाओ बाबा का आशीर्वाद। आप कौन सी क्लास में हो? बेटा हम बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए, बहुत जमाना निकल गया पड़े हुए। लाफंगर। हाँ। और एक और मकर ध्वज। सब्सक्राइब तो करवाओ यार, तुम्हारा ऑडियंस जवाब चाह रही तुमसे। हिट लाइक आप रमणीक सिंह 1313 देखते हो? क्या रमणीक सिंह 1313 चैनल है? मस्त बोलो शेयर क्या ये चैनल अपने से आपका वो चैनल है ना पोएट्री, उसी पे तो ये वीडियो डालेगा। हाँ। वो हमने बनाया था पोएट्री, जब कहीं पे आप घूमने वगैरह जाते वो हमने बनाया था पोएट्री के लिए, लेकिन वो फिर पोएट्री बन नहीं पाई। उसको सर्च करो तो वो आता नहीं है। आएगा, अब आएगा, अब हम उसको जादू से बुलाएंगे। सब्सक्राइबर ज्यादा होते तब आता है ना। देख रहे हो सब्सक्राइबर नहीं है हमारी, इज्जत नहीं कर रहा। तुम्हारे फ्रेंड्स हमें सब्सक्राइब नहीं करती? क्या कहती? ऐसे गंदे गंदे है, सब्सक्राइब कर। हम इतने गंदे वीडियो बनाते और वो क्या करते? बाटी के लिए क्या कर रहे थे? बाफले दाल। हाँ उसके लिए क्या कर रहे थे? आओ करके देखा नहीं ऐसे नहीं झूल नहीं अजीब दाल बन के भैया आ जाओ ऐसे। और फिर वो ऐसे पे छोक बाल का टाइप करता है। तो हम बिल्कुल नानी के घर पे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बचपन मेरा यहीं पे निकला है, नानी के घर पे ललितपुर में। तो शुरू के मतलब जब मम्मी की जॉब लग गई थी, रुक जा पता नहीं, जब मम्मी की जॉब लग गई थी मुंगावली में, तो वो मुंगावली में रहती थी लेकिन हम यहीं पे रहते थे, मतलब 2-3 साल यहाँ पे रहे। तो आज हम पूरे एक एक रूम दिखाएंगे। तुम तो बहुत छोटी थी। और जो दीपक भैया हैं, दीपक भैया ने भी यहीं पर पढ़ाई की। और एक बात और बताना चाहेंगे कि जो दीपक भैया की मम्मी है और जो हमारी मम्मी है वो बहनें हैं, मतलब दीपक भैया की मम्मी मौसी भी हैं और ताई भी हैं, मतलब एक घर में दो शादी। ये मतलब सबसे छोटी छोटी वाली मौसी है जो हमारी, उनके ये लड़का लड़की हैं ये दोनों। ये पता नहीं, ये तो दुकान उकान से लाए इन्हें, कुछ भी यार। इस आदमी का हमें भरोसा है? ये तो पता नहीं कहाँ से आई लड़की। तुम बताओ कुछ कहाँ से आई हो? पानन की दुकान से? यस। तो ठीक है चलो फिर हम एक एक रूम दिखाते हैं। तो ये है घर बाहर से, यहाँ से हम करेंगे शुरू, चैनल से घुसे अंदर। नानी हम आ गए।
तो इस तख्त पे हमने बहुत ज्यादा अखबार बैठ के पढ़ा है। यहाँ पे इस दुकान पे कटिंग की दुकान थी, यहाँ पे हमारी कटिंग कटाई जाती थी और हाँ टांग के ले जाते और बिस्कुट बिस्कुट भी ये फेंक देते नाली में और पटिया डाल के वो कटिंग कराते और जम डिब्बा डिब्बा रखी जम एक कुर्सी रखी देती यार बाप हम बैठे थे लेकिन बाप फेंक फाक गई। चलो कोई बात नहीं और आगे बहुत कुछ है हमें दिखाने को। यहाँ से अपन निकलेंगे, ये है आंगन। हेलो हेलो प्राची, हेलो, तुम बार बार वीडियो में क्यों आ रही हो? ये है आंगन, यहाँ पे अपन ने बहुत अष्ट चंगा खेले। किसने? हमने। अपन क्यों बोल? अपन मतलब सब। ये अंशु की साइकिल है, अंशु की साइकिल है और ये छोटी। यहाँ पे ये उस तरफ से भी दुकान है और ये छोटी सी है। किचन भी दिखा रहे हैं, चलो किचन भी दिखाएंगे हम। इस किचन में भैया, हमारी मम्मी, मौसी, तीनों तो इनकी मम्मी, हमारी मम्मी, दीपक भैया की मम्मी, की मम्मी, रवि भैया की मम्मी, प्राची की मम्मी, हम सब लोग मतलब यहाँ पे बैठ के इन लोगों ने खाना बनाया है। यहीं से इन लोग की शादी हुई है और ये प्लेट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो तिकोना पराठा बनता था, वो तिकोना मतलब त्रिभुज वाला, वो हम इसमें खाते थे। ये उर्स से खरीदी थी मौसी ने, तुम्हारी मम्मी ने खरीदी थी हमारे लिए ताकि इसमें पराठा खिला सके। एक छोटी भी प्लेट है लेकिन वो मिलेगी नहीं। चलो। तो बहुत है। पर ये भैया घर आज का नहीं है, 40-45 साल पुराना घर है। हमारे नाना जी, लाइट प्लीज लाइट ऑन। चलो लाइट ऑन कर दो। घर पे बहुत पुरानी जमाने की 40 जमाने। ये नाना जी है हमारे और यहाँ पे क्या हो गया? कोई बात नहीं। अब ये मिक्सर। हाँ ये सर, ये इनकी मम्मी का मिक्सर है। इनकी मम्मी के लिए नाना मतलब मम्मी लाई थी अलग से बहुत। और हाँ ये गोदरेज है और ये देखो इसको ऐसे निकल जाता। अरे यार क्या क्या बता रही प्राची। यहाँ पे फोटो भी है मम्मी लोग के कुछ पुराने। तुम पहचानती हो प्राची किसी को? यस ऑफ कोर्स। देखो यहाँ पे बड़ी मम्मी होंगी। कहाँ? ए बड़ी मौसी। बड़ी मौसी मतलब ये है बड़ी मौसी, दीपक भैया की मम्मी। हाँ ये मम्मी ने बनाया था। देखो ये सरोज मौसी ने बनाया था, मतलब सबसे छोटी वाली मौसी सरोज मौसी, इनकी मम्मी। अरे प्राची की नहीं, सॉरी, इनकी दुकान से। यार मेरी मम्मी। ठीक है। नाना नानी की फोटो। हाँ ये देखो। हाँ ये नाना। ये बीच में आपकी मम्मी, नहीं आपकी बड़ी मौसी। मम्मी और सुषमा मौसी। मतलब ये दीपक भैया की। देखो कैसे चश्मा, मेरा हाथ कहाँ गया। ये दीपक भैया की मम्मी और ये रवि भैया की मम्मी। हाँ ये नानी और ये नाना। हाँ नाना किसमें? इसमें मस्त हैंडसम लग रहे हैं। ये पीछे ताजमहल जो आगरा में है। हाँ आगरा में कि दिल्ली में? नहीं आगरा में, कल दिल्ली में। अरे यार ताजमहल, यहाँ पहले इस बक्से पे टीवी रखी जाती थी लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी। हमारी आपकी मम्मी पता नहीं ये किसी की वो है, वो गले में डाल के। हाँ ठीक है, हमें मेन बात बताने नहीं दे रही यार ये। बताओ। बात ये है कि इस हट तो प्राची, इस बक्से पे रखी जाती थी टीवी जिसपे हमने आप भी थी, आहट कोई है, आहट तब आता था बहुत पहले, एक डुप्लीकेट चैनल, डुप्लीकेट मतलब उसका फर्स्ट वर्जन चला था। रुक जा, आहट का वर्जन चला था। अरे सुन तो लो, तो वो देखते थे, शक्तिमान भी देखा हमने यहीं पे इसी बक्से पे जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी। वो टीवी नहीं लगी, वो टीवी चली गई कहीं, वो उस वाले कमरे में। अच्छा, और ये तुम्हारी मम्मी का टैग, ये इनकी मम्मी गाने सुनती थी और हमें गाना भी याद है, गाना सुनती थी वो, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। ये पुराने जमाने का लैंप, पुराना जी तो अभी भी चलता लैंप, अब इतना नहीं चलता। ये पुराना सूटकेस, ये नाना का सूटकेस है। नाना कहाँ थे? अपने मंडी में थे नाना। नाना कृषि मंडी में बाबू थे, तो वो उनका होगा खजाना है। नहीं वो नहीं बताना, फ्रिज में कुछ नहीं होगा 100%। वो तो कभी कुछ नहीं रखा रहता है फ्रिज में। इसमें क्या है? खोल। हाँ बहुत बढ़िया जी, यही उम्मीद थी हमें। और ये बोतल ना एक दो साल से यहीं पे पड़ी। दो साल से नहीं उठाई गई? तुम लोग क्या करते हो? चलो बहुत बढ़िया। अब कहाँ चलें? अब चलते हैं। ये हेडपम्प हमारे सामने ही लगा था, अब इस रूम में आए। इस रूम में भैया हमें इतना, जब भी हम लोग कोई उद्यम करते थे, मतलब ये लोग तो जब हुए नहीं थे लेकिन जब हम थे, दीपक भैया थे, तब हमें इस रूम की बड़ी धमकी दी जाती थी कि इसमें एक बिलोटा है, बिलोटा मतलब बड़ा चूहा, तो उससे हमें बहुत डर लगता था। और जब भी कोई उद्यम करें, जैसे 19 का पहाड़ा नहीं सुना पाए, 22 का पहाड़ा नहीं सुना पाए, तो हमें इस कमरे में बंद कर दिया जाता था 2-3 मिनट को, उतने में हमें अपनी अकल ठिकाने आ जाती। ये शीशा,
जैन साहब, पहले के टाइम पे माँ बाप अपने बच्चों के नाम लिखवा देते थे, आजकल कोई नहीं लिखवाता। जिस कमरे में बंद किया जाता था उसका भी जायजा लेंगे। क्या उठा रही मौसी? ये हम आपके खेलने का घोड़ा उठा रहे हैं। हाँ यार, जो तो घोड़ा है यार हमारा, जो पीतल का घोड़ा है। एक नानी कायवा नानी प्यान हम पानी पियत को जब गिलसिया है भैया काय की पीतल की जब हमें ले गई थी जब हम छोटे आते तब। और जो घोड़ा यहाँ पे भी कुछ होगा, कुछ नहीं है, वो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के नीचे वाला कमरा ये, इसको बोलते हैं बुखाई। अब चलते हैं छत पर, चलो। शक्तिमान वो पंखा बंद कर दो। शक्तिमान दो है जीने दो। हाँ यहाँ पे वो पुराने समय में ऐसे बनाया जाता था कि ये भी सीढ़ी है और ये भी सीढ़ी है। अब देखो दीपावली के साथ पुताई होगी, ये घर हम बताई चुके 40-45 साल पुराना घर है। तो कहाँ से जा रहे? अरे बावरे क्या ये, इस छत का बहुत बड़ा वो है योगदान हमारे जीवन में। ये जो टायर है ये टंगा है कम से कम 20 साल से, और इसको इसलिए नहीं हटाया जा रहा क्योंकि इसको हम चलाते थे। तुम्हें पता है इसको हम चलाते थे? तुम्हें पता प्राची हम चलाते थे इस पहिए को? पता है? और इन मटकों में कंचे रखे जाते थे, कंचे। अब तो दिए ही रखे हैं। कछु निकल रहे नहीं है, इनमें अपन कंचे रखते थे। और इस एक बार आपने निकाल के हमें दिए थे कंचे, दिए थे तुम्हें? हाँ। अरे ये मटकी पूरी भरी रहती यार, अब तो दिए ही दिए भरे इनमें। ये देखो ये किचन का उधर है, चलो यहाँ पे। हाँ यहाँ से ये आंगन दिखता है। ये ईंटें हमने जमवाई थी उस टाइम, पता है हम छोटे थे। सच में? सच कसम से। और ये कपड़े डाले तुम्हारी मम्मी ने, हमारी मम्मी ने सब। पहले वो नाना की बेचारी की चार लड़कियां थी, चारों काम करती थी। ये देखो ये पतंग उड़ाने का, लाइक क्या बोलते, गिर रहा। ओ, 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 गिरने का नाम लिया। ये पतंग तो नहीं उड़ाते थे हम, इतने अच्छे काम उड़ाते थे, इतने अच्छे खिलौने नहीं मिले हमें। इस पट्टी से तो भैया हमें हमेशा डर लगा कि ये गिरेगी, लेकिन आज तक गिरती नहीं है। ये हिलती है बता। और चलो तो फिर बहुत बता दिया ऐसी। ये खैर अभी नई स्कूटी का टायर है, लेकिन उस टाइम पे भी एक छोटी स्कूटी का टायर था जिसमें यहाँ पे छेद था, यहाँ तो वो भी हमने खूब चलाया ऐसी छत पे। हम पहिया चला के बताएं, तुम लोगों ने नहीं चलाया पहिया? भैया गधी हो तुम लोग, भटा चलाओगी तुम। अरे आगे से भी बता दें थोड़ा सा घर। ये मेन रोड है, ये हमारे नाना नानी का घर पूरा खत्म। कितना पुराना घर है यार, कैसे कैसे बनवाते होंगे। और पता है ये मिट्टी का घर है, पूरा कीचड़ और मिट्टी से बनाया है ये। अरे बना, इसकी ईंटें बनी है, सिर्फ जो ऊपर का प्लास्टर है वो सीमेंट का है। ये टंकी है, टंकी नहीं टंकी। अरे यार आप। हाँ ठीक है बाय बाय। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और फिर कल दिखाएंगे अपन हल्के शिव कुमार का घर और दीपक भैया का घर। यहीं पे ज्यादातर हमारे जो भी रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, वो सब यहीं पे रहते हैं, ललितपुर में रहते हैं। और अगर भगवान ने चाहे तो कुछ दिन बाद हम लोग भी यहीं पे आ जाएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, तुमची सर्वांश आभार। मगर तो आज की वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन ये तो द पोएट्री शो पे जाएगी। द पोएट्री, पोएट्री नहीं पोएट्री, किसी पर भी जाएगी। तीन चैनल है, तीनों को सब्सक्राइब करें। कौन? एंड जितना हो सके उतना इन्हें मार कूट के भगा दे यूट्यूब से। जी नहीं करने यार।